हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 की बात करेंगे। ये वाला जो एक्ट है, अभी रिसेंटली जब आरजेएस की नोटिफिकेशन आई थी उसके अंदर ये ऐड किया गया, तो राजस्थान जुडिशरी के अंदर ये वाला एक्ट भी आएगा, तो उस पर्पस से हमें इसको करना है। अब देखिए इसके बारे में जानते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको जुडिशरी की कोचिंग लेनी हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अब देखिए ये एक्ट क्या है, क्यों बनाया गया और क्या है इस एक्ट के अंदर। तो ये जो एक्ट है किस चीज़ के लिए बना है, प्रोहिबिट करने के लिए बना है, रोकने के लिए बना है। किस चीज़ को? इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को। अब इनडिसेंट वर्ड की डेफिनेशन जब हम देखेंगे वहाँ पर हमें पता चलेगा इनडिसेंट का इस एक्ट में क्या मीनिंग है, एक जनरल मीनिंग है, उस एक्ट में क्या मीनिंग है ऑफ वुमेन थ्रू किस तरीके से, जहाँ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वुमेन का, एडवर्टीजमेंट से या पब्लिकेशंस में, कहीं पे भी कोई पब्लिकेशन होती है, राइटिंग्स में, पेंटिंग्स में, फिगर्स में, और इन एनी अदर मैनर, किसी भी तरीके से आप अगर वुमेन का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको प्रोहिबिट करने का बात करता है ये एक्ट, फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। इस तरीके की कोई भी चीज़ हो, चाहे पब्लिकेशन हो गई, राइटिंग हो गई, या कोई भी इस तरीके की चीज़ हो जहाँ पे वुमेन की इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रही है, उसके लिए इस एक्ट को बनाया गया है। और कब बनाया गया था ये? 37th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज, जब हमारे कंट्री को 37 ईयर्स हो गए थे आज़ादी मिले, तो तब 37th ईयर में बनाया था। अभी हम देखेंगे कौन से ईयर में ये कमेंस हुआ और कब से इफेक्टिव हुआ। अब देखिए ये क्यों, इसके पीछे ऑब्जेक्ट और रीज़न क्या है। इसके पीछे ऑब्जेक्ट और रीज़न ये है, देखो हमारे पास जनरली कौन सा लॉ है ऑब्सिनिटी से रिलेटेड जो इस तरीके की चीज़ों से डील करता है इस कंट्री के अंदर, वो है सेक्शन 292, 293 और 294 ऑफ आईपीसी। ठीक है, वहाँ पे हमने ऑब्सिनिटी, न्यूडिटी, इन चीज़ों से रिलेटेड बात कर रखी है जो ये ऑफेंस होते हैं। इन प्रोविजंस के अलावा हमें ये देखने को मिलता था कि बहुत ही ज़्यादा इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रही थी वुमेन की, चाहे वो इंटेंशनली हो रही थी या अनइंटेंशनली हो रही थी, लेकिन जितनी भी पब्लिकेशंस आ रही थी या एडवर्टीजमेंट्स हो रही थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रही थी वुमेन की। ठीक है, तो उसको और अच्छे से डील करने के लिए पर्टिकुलरली इस एक्ट को लेके आया गया, ताकि ये जो डिप्रेविंग और करप्टिंग पर्सन्स हो रहे हैं इससे, कि भाई अब जो चीज़ आप लोगों को दिखाओगे उसी तरीके की उनकी सोच होगी, चाहे वो सोचना चाहे या ना सोचना चाहे, जिस तरीके की एडवर्टीजमेंट देखोगे, चीज़ें पढ़ोगे, उसी तरीके की थिंकिंग बनेगी। तो इसलिए इस चीज़ को रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया और ये एक सेपरेट लेजिस्लेशन बना दिया गया। पहले यहाँ पे बात हो रही थी, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्शन थे आईपीसी के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमने एक सेपरेटली एक्ट बना दिया गया ताकि जो वुमेन है उसका इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ना हो किसी भी एडवर्टीजमेंट में, बुक्स में, पैम्फलेट्स में, इन चीज़ों में। इसका मतलब ये नहीं है कि जो एजुकेशनल पर्पज़ की चीज़ें हैं या रिलीजियस पर्पज़ की चीज़ें, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पर वुमेन को इनडिसेंटली रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, उनके पीछे उनके ये चीज़ नहीं होती और उसको पढ़ने वाले भी इस तरीके से नहीं पढ़ते, वहाँ पर नहीं रोका गया। बाकी जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं या बुक्स होती हैं, पैम्फलेट्स होते हैं, वहाँ पर इस चीज़ को रोक दिया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर की, ये बताया गया है कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कहीं पे भी इस तरीके की कोई एडवर्टीजमेंट पब्लिकेशन होती है उसको रोकने की बात की गई है, और यहाँ ऐसी जो पब्लिकेशंस वगैरह हैं इनको बेचने से भी रोका गया है, डिस्ट्रीब्यूशन से, सर्कुलेशन से, कोई भी बुक्स हो गई, पैम्फलेट्स हो गए इस तरीके के जहाँ पे वुमेन को इनडिसेंटली रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और यहाँ पे इसको ऑफेंस भी बना दिया गया, और ऑफेंस के अंदर यहाँ सज़ा भी दी गई है जो भी आगे सेक्शन के अंदर आएगी। अगर पहली बार कोई व्यक्ति एक क्राइम करता है तो उसको 2 साल तक की सज़ा दी जाती है और फाइन लगाया जाता है 2000 रुपये तक का, और अगर फिर करता है तो फिर उसको हायर पनिशमेंट मिलती है जो 5 साल तक की, वो भी हम आगे सेक्शन में देखेंगे। अब इसके ऊपर एक केस लो है और इसका ऑब्जेक्ट पता चलता है एक्ट का। देखो ये जो एक्ट है ये किसको पनिश करने की बात कर रहे हैं, जो भी पब्लिशर्स हैं या एडवर्टीजर्स हैं जो नोइंगली डिसेमिनेट कर रहे हैं मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल को डिसेमिनेट कर रहे हैं, मतलब ऐसे मटेरियल को फैला रहे हैं जो कि वुमेन को पोर्ट्रे कर रहा है इनडिसेंट मैनर के अंदर, तो ऐसे लोगों को पनिश करना है हमने इस एक्ट के हिसाब से। तो ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट ये नहीं चलेगा जो सिर्फ पब्लिश कर रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इनडिसेंट ऑफ प्री मार्शल सेक्स के बारे में बात कर रहा है और उसने उसकी सोशल एक्सेप्टेंस की बात की है, तो ऐसे व्यक्ति को इस एक्ट के हिसाब से सज़ा नहीं मिलेगी, और ना ही ऐसा व्यक्ति जिसने इस तरीके की कोई चीज़ एडवर्टीज
ना की हो या पब्लिश ना की हो, ऐसे व्यक्ति को भी सजा नहीं मिलेगी। ये बोली गई थी बात खुशबू वर्सेस कन्नियामल केस के अंदर, 2010 का केस है, वॉल्यूम 5 SCC 600 पेज के ऊपर मिल जाएगा आपको ये। तो इस केस के अंदर ये बात बोली गई थी। तो हमने सिर्फ ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पे सजा देनी है जो इस तरीके के मटेरियल को डिसेमिनेट करते हैं, ठीक है, जो इन चीज़ों के ये चीज़ें कर रहे हैं उनको हमने सजा नहीं देनी। अब शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट की बात करें तो इस एक्ट को हम क्या बोलेंगे, इनडिसेंट वुमेन, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 बोलेंगे, ठीक है, वही जो एक्ट का नाम है। शॉर्ट टाइटल लॉन्ग टाइटल दो चीज़ें होती हैं, तो ये शॉर्ट टाइटल है इसका, और ये पूरे के पूरे इंडिया पे एक्सटेंड करेगा। पहले ये एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर होता था, लेकिन अब ये पूरे इंडिया पे करता है, वो आपको पता है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उसके बाद से ये पूरे इंडिया के ऊपर इफेक्ट में आता है 31/10/2019 से, ठीक है, अब ये पूरे इंडिया के ऊपर इफेक्ट में आ जाएगा। इसके अलावा अब ये कब से फोर्स के अंदर आया था, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डाला होगा उस डेट से आया होगा, तो ऑफिशियल कब से था ये, 2 अक्टूबर 1987, तो 2 अक्टूबर 1987 से ये जो एक्ट था ये एनफोर्समेंट के अंदर आ गया था। इसके बाद अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ हो रही थी तो उसके लिए यहाँ पे वो जो व्यक्ति अगर कोई इस तरीके की चीज़ करता तो उसको उसके अंदर सजा दी जाएगी। डेफिनेशन पे आए तो पहली तीन डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे दो चार जो लेबल पैकेज प्रेस्क्राइब इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली डेफिनेशन क्या है, एडवर्टीजमेंट, क्योंकि बार बार वर्ड यूज़ किया हो रहा है कि अगर कोई व्यक्ति एडवर्टीजमेंट करता है या डिस्ट्रीब्यूशन करता है किस चीज़ का, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का, तो ये तीन वर्ड हमें जानना ज़रूरी है। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी नोटिस हो गया, जैसे किसी को नोटिस भेजते हैं, कोई भी सर्कुलर हो गया जो आप लोगों के बीच में फैला रहे हो, कोई भी लेबल हो गया, लेबल की डेफिनेशन अभी नीचे है, रैपर हो गया जिससे जैसे किसी चीज़ को कवर कर रहे हो, या और किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट हो गया, और ये नहीं, इसके अलावा कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो गई जो किसी भी तरीके से बनाई हो, आप जैसे लाइट को यूज़ करके कोई रिप्रेजेंटेशन बनाई हो, साउंड को करके बनाई हो, जैसे आप इस तरीके की ऑडियो वगैरह कुछ बना रहे हो, स्मोक या गैस को करके बनाई हो, कोई भी चीज़ हो जाएगी वो सब एडवर्टीजमेंट में आ जाएगी। मतलब किसी भी तरीके से आप यूज़ करके बना रहे हो, लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, कुछ भी है वो, नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, ये सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा एडवर्टीजमेंट के अंदर। तो आप इनमें से किसी भी तरीके की एडवर्टीजमेंट करोगे तो आप इसमें इंक्लूड हो जाओगे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल्स, आप सैंपल्स के तौर पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वेदर फ्री और अदरवाइज, कि भाई पैसे फ्री कर रहे हो या पैसे लेके या किसी भी तरीके से कर रहे हो तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूड हो जाएगा। अब इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का मतलब क्या है, कि अब कब बोला जाएगा कि आपने वुमेन को इनडिसेंटली रिप्रेजेंट किया है, तो जब आप वुमेन को मूवमेंट की डिसेप्शन दे रहे हो किसी भी तरीके से, मतलब उसको डिस्क्राइब कर रहे हो किसी भी तरीके से उसकी फिगर को, तो मीन्स द डिसेप्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ वुमेन, कि आपने वुमेन की फिगर को डिसेप्ट किया है किसी भी तरीके से, तो ये यहाँ पे देखिए वुमेन है, तो ये सिंगल वुमेन की बात हो रही है, ठीक है, हर फॉर्म उसके किसी भी तरीके को, उसकी बॉडी को, और एनी पार्ट देयर ऑफ, ये किसी भी पार्ट को आपने इस तरीके से किया है, डिपिक्शन की है इस तरीके की, इन सच अ वे एज टू हैव द इफेक्ट ऑफ बींग इनडिसेंट, जिसका क्या इफेक्ट आता है कि वो इनडिसेंट लगेगा, ठीक है, आप वो सही नहीं लगेगा, इनडिसेंट लगेगा, उसकी डिसेंसी को हर्ट करेगा वो, या फिर डेरोगेटरी लगेगा या डिजेनरेटिंग लगेगा, मतलब कि किसी भी तरीके से उसकी बुराई होगी उससे वुमेन की, और लाइकली यहाँ पे देखो वुमेन आ रहा है, तो मतलब कि सभी को, सारी वुमेन्स को इंक्लूड कर रहा है, ई एन आ रहा है, और इज लाइकली टू डिप्रेव, करप्ट और इंजर द पब्लिक मॉरेलिटी और मॉरल्स, कि वो क्या कर रहा है, डिप्रेव कर रहा है, करप्ट कर रहा है, इंजर कर रहा है, क्या चीज़, पब्लिक मॉरेलिटी, किसकी पब्लिक मॉरेलिटी, वुमेन की, और मॉरल्स को, तो क्या बोला जाएगा कि आपने क्या किया है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया है वुमेन्स की, अगर आप इस तरीके की डिपिक्शन करते हो तो। लेबल बता रहा है कि कोई भी रिटर्न, मार्क, स्टैम्प्ड, प्रिंटेड या ग्राफिक मैटर है जो एफिक्स किया गया है और अपियरिंग अपॉन या फिर किसी भी पैकेज के ऊपर दिख रहा है तो उसको हम लेबल बोल देंगे। पैकेज मतलब कोई भी बॉक्स, कार्टून, टिन, अदर कंटेनर, ये सब आ जाएगा। प्रिस्क्राइब मतलब जो सेक्ट में प्रिस्क्राइब किया गया। अब देखो क्या सेक्शन 3 बोलता है कि आपको क्या नहीं करना है, तो ये बोलता है कि नो पर्सन शेल मतलब नहीं करना आपको ये किसी भी तरीके से नहीं करना, पब्लिश क्या नहीं करेगा, पब्लिश नहीं करेगा, और कॉज टू बी पब्लिश, खुद पब्लिश नहीं करेगा, किसी से पब्लिश कराएगा भी नहीं, ठीक है, इस तरीके का रीज़न वो पीछे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और अरेंज और टेक पार्ट इन पब्लिकेशन, या फिर अरेंज करे या फिर खुद किसी तरीके से हिस्सा ले पब्लिकेशन के अंदर,
ऑफ एग्जीबिशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट, किसी भी तरीके की एडवर्टीजमेंट जिसके अंदर वुमेन की इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है किसी भी तरीके से। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन क्या, जो यहाँ पे हमने देखा कि आप जहाँ पे डिपिक्शन कर रहे हो इस तरीके की कोई, तो इस तरीके की चीज़ में कोई व्यक्ति पार्ट नहीं लेगा, पब्लिश नहीं करेगा, कॉज नहीं करेगा पब्लिश को, मतलब करवाएगा नहीं इस तरीके की पब्लिश, अरेंज नहीं करेगा, तो ऐसी कोई भी चीज़ किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी है। तो ये प्रोहिबिट की गई है, यहाँ पे मना किया गया है, सेक्शन 3 ऑफ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के अंदर, ठीक है। ऑब्सिनिटी के लिए कह रहा है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑब्सिनिटी, इसके ऊपर केस लॉ है। तो न्यूडिटी अलोन इज नॉट एनफ टू मेक मटेरियल लीगली ऑब्सीन, कि अगर किसी चीज़ में न्यूडिटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो लीगली ऑब्सीन हो जाएगी। ये बोली गई थी अजय गोस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, लीगली ऑब्सीन होने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है। न्यूडिटी अब हमें काफ़ी सारी रिलीजियस बुक्स के अंदर, काफ़ी सारी एजुकेशनल बुक्स के अंदर भी मिलती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो लीगली ऑब्सीन हो गई, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड टू जज ऑब्सिनिटी, किस तरीके से जज किया जाएगा ऑब्सिनिटी को, तो स्टैंडर्ड टू बी अडॉप्टेड फॉर जजिंग ऑब्सिनिटी शुड बी दैट ऑफ एन ऑर्डनरी मैन ऑफ कॉमन सेंस और प्रूडेंस एंड नॉट एन आउट ऑफ द ऑर्डनरी और हाइपर सेंसिटिव मैन। आप इस तरीके से देखोगे, अगर एक ऑर्डनरी मैन को वो इनडिसेंट लगेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, एक नॉर्मल प्रूडेंस के मैन जो जिसकी एक नॉर्मल सोच समझ है उसकी नज़रिए से देखोगे, ये नहीं कि एक ऑर्डनरी व्यक्ति नहीं है, उसकी सोच कुछ ज़्यादा ही अलग है या हाइपर सेंसिटिव है, छोटी सी चीज़ को देख के ही उसको अजीब सा लग जाता है, इस तरीके की चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो ऑर्डनरी मैन, कॉमन सेंस का जो मैन है, प्रूडेंस का जो मैन है, उसको अगर ये चीज़ गलत लगेगी तो आप ऑब्सिनिटी मानोगे, अदरवाइज नहीं मानोगे। यही केस है अजय गोस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सेम बात बोली गई थी। अब पब्लिकेशन ऑब्सीन है या नहीं है, तो वही सेम केस है अजय गोस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। क्या बोला गया, इट इज़ नेसेसरी दैट पब्लिकेशन मस्ट बी जज एज अ होल, आप पूरी तरीके से पब्लिकेशन को देखोगे, ये नहीं सिर्फ अपने एक पार्ट को देखा। एंड द इम्पंज पब्लिकेशन शुड ऑल्सो सेपरेटली बी एग्जामिन सो एज टू जज वेदर द इम्पंज पैसेज आर सो ग्रोसली ऑब्सीन एंड आर लाइकली टू डिप्रेव द करप्ट। और किसी एक पार्ट को भी देखोगे, आप पूरी पब्लिकेशन को देखोगे, सिर्फ एक पार्ट पे नहीं गए, और जब आप एक पार्ट पे गए सेपरेटली, जब उस पे गए तब भी आप उसको एग्जामिन करोगे कि क्या वो जो इम्पंज पैसेज है वो इतना ज़्यादा ऑब्सीन है कि वो डिप्रेव और करप्ट होगा, मतलब एक तरीके से वुमेन को डिप्रेव और करप्ट कर रहा है, उसकी मोरल्स को या उसकी रिप्रेजेंट कर रहा है उसको इस तरीके से, तो फिर वहाँ पे ऑब्सीन मान लिया जाएगा। अब ऑब्सिनिटी इन आर्ट की बात करें, वेयर आर्ट एंड ऑब्सिनिटी आर मिक्स्ड, जहाँ पे आर्ट और ऑब्सिनिटी मिक्स होंगी, व्हाट मस्ट बी सीन इज वेदर द आर्टिस्टिक लिटरली और सोशल मेरिट ऑफ द वर्क आउटवेट्स इज ऑब्सीन कंटेंट। अब कहीं पे इस तरीके की जैसे आर्ट होती है जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें डिपिक्ट की जाती हैं, ऑब्सिनिटी दिखाई जाती हैं, तो वहाँ पे ये देखा जाएगा कि ये जो आर्टिस्टिक लिटरली या सोशल मेरिट है इस वर्क की, वो ऑब्सिनिटी को ओवरवेट कर जाए। ये नहीं कि ऑब्सिनिटी को बहुत ज़्यादा दिखाया गया, आर्ट वर्क उसमें कुछ है ही नहीं, आर्ट वर्क जो है ऊपर होना चाहिए ऑब्सिनिटी से। ये सब बातें एक ही केस में बोली गई थी अजय गोस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के, ठीक है। फिर सेक्शन 4 के ऊपर अगर हम आएँ, तो प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट, वहाँ पे मैं क्या मना किया गया सेक्शन 3 में, आपको इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं करनी है। यहाँ पे पब्लिकेशन की बात हो रही है, सेंडिंग करने की बात हो रही है कि आप इस तरह की कोई भी बुक्स पैम्फलेट्स पब्लिश नहीं करोगे, सेंड नहीं करोगे, जिसके अंदर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की गई होगी वुमेन की। तो कोई भी व्यक्ति प्रोड्यूस नहीं करेगा या कॉस्ट टू प्रोड्यूस नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा या लेट हायर नहीं करेगा, या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा या सर्कुलेट नहीं करेगा, या पोस्ट के द्वारा किसी को नहीं भेजेगा क्या चीज़, कोई भी बुक, कोई भी पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर, जिस जहाँ पे कैसी रिप्रेजेंटेशन हो रही हो फिगर की, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हो रही हो किसी भी तरीके से, तो इस तरीके की कोई भी चीज़ कोई नहीं भेजेगा, सर्कुलेट नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है। प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू, लेकिन ये चीज़ किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, एनी बुक पैम्फलेट स्लाइड फिल्म राइटिंग ड्राइंग पेंटिंग फोटोग्राफ रिप्रेजेंटेशन और फिगर द पब्लिकेशन ऑफ विच इज प्रूव टू बी जस्टिफाइज एज बींग फॉर द पब्लिक गुड। लेकिन जिसकी पब्लिकेशन किसके लिए ज़रूरी है, पब्लिक गुड के लिए ज़रूरी है, कहीं पर जैसे देखा आपने अवेयरनेस की जाती है किन्हीं चीज़ों से रिलेटेड, तो वहाँ पर फिर इस ये चीज़ नहीं देखी जाएगी। On the ground that such book, pamphlet, paper, slide, film, writing, drawing, painting, photograph, representation or figure is in the interest of science, literature, art,
लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न्स। होता है ना कि जैसे अवेयरनेस फैलाई जाती है किसी चीज़ से रिलेटेड, अगर मान लो कोई इस तरीके की डिजीज़ फैल गई तो वहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा वुमेन को, लेकिन वहाँ पे ये नहीं माना जाएगा आपने इनडिसेंट तरीके से किया है, ये साइंस के पर्पज़ से, आप साइंस की बुक है वहाँ पर समझाया जा रहा है कि इस तरीके की कैसी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर भी आप नहीं मानोगे। लिटरेचर हो गया, ठीक है, कोई भी जनरल कंसर्न का पर्पस हो गया तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं मानी जाएगी। और इसी तरीके से अगर कोई रिलीजियस पर्पस है, रिलीजियस पर्पस में भी ये बात नहीं मानी जाएगी, आप इस तरीके की चीज़ करते हो तो वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर्पस आपका रिलीजियस, आपकी इंटेंशन गलत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर कोई रिप्रेजेंटेशन की जाती है, जैसे कोई स्कल्पचर होते हैं, हम अपने ओल्ड टेम्पल्स में जाते हैं, एंग्रेव्ड होते हैं वहाँ पे, पेंटेड होते हैं, इस तरीके की फिगर्स रिप्रेजेंट की जाती हैं, ठीक है, कोई भी इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स होते हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ नहीं मानी जाती। क्या बोलते हैं कि कोई भी एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हो जो कि हमारे एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट के अंदर आ जाएँ, वहाँ पे भी ये नहीं माना जाएगा कि आपने इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया है। इसी तरीके की कोई भी टेम्पल हो जाए, ठीक है, कोई भी मंदिर वगैरह हो गए, या फिर कोई ऐसे कार वगैरह हो गई जो क्या कर रही है, आइडियल्स लेके जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, या किसी रिलीजियस पर्पस के लिए हो गए, आपको देखने को भी मिलता होगा इस तरीके की चीज़ें। केव भी है, आप उस केव का नाम बताइएगा कौन सी है, ठीक है। तो एनी फिल्म इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोविजन ऑफ पार्ट टू ऑफ द, या फिर ऐसी कोई भी फिल्म जिसपे सिनेमोग्राफिक सिनेमेटोग्राफ एक्ट लग रहा हो तो वहाँ पे भी ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे केस आता है ऑब्सिनिटी का, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑब्सिनिटी। तो ऑब्सिनिटी शुड बी डिटरमाइंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एन एवरेज पर्सन, कि आप एवरेज पर्सन जो मैंने पहले बात बताई थी, जो एक प्रूडेंट मैन है उसके, प्रूडेंट मैन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, इन कंटेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी मोड्स एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स, एज कंसेप्ट ऑफ ऑब्सिनिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। अब हो सकता है समय के साथ लोगों की सोच चेंज होती जाए, तो जो कंसेप्ट है ऑब्सिनिटी का वो चेंज होता रहेगा जैसे जैसे हमारी सोशल वैल्यूज चेंज होती है। तो मैसेज विच ऑफरिंग ऑब्जेक्ट इंटेंट टू कन्वे इज सिग्निफिकेंट, फोटोग्राफ ऑफ अ न्यूड सेमी न्यूड मूवमेंट बाई इट सेल्फ कैन नॉट बी ऑब्सीन, तो ये चीज़ जरूरी नहीं है कि वो ऑब्सीन हो। तो ऑब्सिनिटी जो है वो डिपेंड करेगी किसी पर्टिकुलर पोस्चर पे, आपने किस तरीके से वुमेन को दिखाया है, उसके बैकग्राउंड में क्या है, जहाँ पे भी वो न्यूड वुमेन डिपिक्ट की गई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखी जाएंगी, और इट शुड टेंड टू डिप्रेव एंड करप्ट द माइंड एंड एक्साइट लस्टफुल सेक्सुअल पैशन सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस अंडर द सेक्शन 292। अगर वो इस तरीके की चीज़ कर रहा है, एक्साइट लस्टफुल सेक्सुअल पैशन, तो फिर वो माना जाएगा कि आपने ऑब्सिनिटी की है। अवीक सरकारा वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस के अंदर आया था, फेमस केस है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ ऑब्सिनिटी फिर वही चीज़ बता रहा है इसके अंदर। अब यहाँ पे आता है हमारा सेक्शन 5। सेक्शन 5 बोलता है कि पावर टू एंटर एंड सर्च। अब अगर इस तरीके की कोई भी बुक्स, पैम्फलेट्स, ये सब चीज़ें होती हैं तो उसको अगर आपको सर्च करना है तो उसके लिए आपको कुछ पावर्स देनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे उन पावर्स की बात की जा रही है कि जो भी रूल्स बनाए जाएंगे गजटेड ऑफिसर के द्वारा, सॉरी, जो स्टेट के द्वारा रूल्स बनाए जाएंगे तो वहाँ पे गजटेड ऑफिसर को ऑथराइज किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब एनी गजटेड ऑफिसर ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट मे विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया फॉर विच ही इज ऑथराइज, जिस भी एरिया के लिए ऑथराइज है, जैसे इसके ये वाला एरिया आ रहा है, हमारे कितनी सारी डिस्ट्रिक्ट होती हैं उसके अंदर कितने सारे गजटेड ऑफिसर होते हैं, तो जो भी उस एरिया का गजटेड ऑफिसर है उसमें जो भी एरिया आ रहा है उसके अंदर, तो जिसके लिए भी वो जो भी उसके अंदर एरिया आ रहा है उसके लिए उसको पावर दी जा सकती है उस लिमिट्स के अंदर, ठीक है। अब क्या पावर दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, तीन पावर्स दी गई है कि वो एंटर कर सकता है और सर्च कर सकता है, मतलब कोई भी प्रीमिसेस है कहीं पे भी तो वो एंटर कर सकता है और सर्च कर सकता है एट ऑल रीजनेबल टाइम्स। ऐसा नहीं कि रात के 12 बजे घुस रहे, तो रीजनेबल टाइम होना चाहिए। अगर वो घुस भी रहा है किसी टाइम तो उसको रीजनेबल बताना होगा कि ये टाइम रीजनेबल क्यों था। विद सच असिस्टेंस, जो भी उसको असिस्टेंस चाहिए जैसे पुलिस वगैरह की सपोर्ट चाहिए, इफ़ एनी एज ही कंसीडर्स नेसेसरी, कि जरूरी था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, अगर मैं नहीं लेके जाऊँगा तो पकड़े नहीं जाएंगे या मुझे खतरा होगा, एनी प्लेस, किसी भी जगह को, तो किसी भी जगह पे वो अपने एरिया में घुस सकता है, विच ही हैज़ रीज़न टू बिलीव। तो ये जरूरी है कि रीज़न टू बिलीव होना चाहिए, ये उसको बताना पड़ेगा कि रीज़न टू बिलीव कैसे था, दैट एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन और बींग कमिटेड, कि यहाँ पे कोई ऑफेंस हुआ है इस एक्ट से रिलेटेड या फिर कमिट किया जा रहा है, जैसे कोई कहीं पे प्रिंटिंग वगैरह और ये इस तरीके की, तो वो अंदर घुस सकता है वहाँ पे। अब वो एंटर और सर्च कर सकता है, उसको ऐसी चीज़ कोई मिलेगी तो वो क्या करेगा, उसको सीज कर लेगा, ठीक है, सीज कर लेगा कोई भी इस तरीके की एडवर्टीजमेंट, बुक, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर, जहाँ पे इनडिसेंट वे में उसको दिखाया जा रहा हो, और या फिर इस एक्ट के जो सेक्शन हमने ऊपर दोनों पढ़े उनको, उनमें से किसी को कॉन्ट्रवीन कर रहा हो,
ठीक है। और अब वो उसको साथ साथ क्या कर सकता है, एग्जामिन भी कर सकता है, देख सकता है किसी भी रिकॉर्ड को, रजिस्टर को, डॉक्यूमेंट को, या फिर किसी भी मटेरियल को जो कि उस जगह पे मिलता है जहाँ पे वो एंटर किया है क्लॉज ए के हिसाब से वहाँ पे, और उन चीज़ों को भी सीज कर सकता है, इन रिकॉर्ड को, रजिस्टर को, डॉक्यूमेंट्स को, अगर उसको रीज़न टू बिलीव है कि इससे मुझे कोई एविडेंसेस मिलेंगे तो, ठीक है, ये जो ऑफेंस कर रहा है वो इसके रिगार्डिंग ऑफेंसेस मिलेंगे तो इनको भी वो सीज कर सकता है। लेकिन अगर मान लो उसको किसी प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में घुसना है जहाँ पे प्राइवेटली लोग रह रहे हैं, उसके लिए उसको वारंट चाहिए होंगे, वहाँ बिना वारंट के वो नहीं घुस सकता, पहले वारंट लेके आएगा और अगर एंटर करना है तो फिर वारंट दिखाएगा उनको, फिर वो एंटर कर सकता है, ठीक है। फिर और साथ साथ क्या दिया गया प्रोविज़ो के अंदर, ये जो पावर है सीजर की, इस सब सेक्शन के अंदर ही एक्सरसाइज की जा सकती है किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आर्टिकल से या थिंग से रिलेटेड जो कि एडवर्टीजमेंट के अंदर शो कर रही है इस तरीके के इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, तो इन चीज़ों को भी वो कर सकता है। सब सेक्शन टू क्या बोलता है, द प्रोविजन्स ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो हम सीआरपीसी पढ़ते हैं उसके जो प्रोविजन्स है, शेल सो फार एज मे बी अप्लाई टू एनी सर्च एंड सीजर, जो उसके अंदर आता है ना सर्च एंड सीजर के जो हम प्रोविजन्स देखते हैं उन सेक्शन के अंदर सीआरपीसी में, तो वो इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे जहाँ पे वॉरेंट इश्यू होते हैं सेक्शन 94 में सीआरपीसी के, तो वो चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। और सब सेक्शन 3 बोलता है कि अगर कोई पर्सन सीज करता है, वेयर एनी पर्सन सीजेज एनी थिंग अंडर क्लॉज ए, जो हमने ऊपर पढ़ा है क्लॉज सी के अंदर ऑफ सब सेक्शन 1, शेल ही एज सुन एज मे बी इन्फॉर्म द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एंड टेक हिज ऑर्डर एज टू द कस्टडी देयर ऑफ, फिर वो क्या करेगा, जल्द से जल्द जाके एज सुन एज मे बी, ठीक है, क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के जो भी उसके सबसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसकी जाके परमिशन लेगा और उससे ऑर्डर्स लेगा कि वो उसकी कस्टडी ले ले। तो ये सब सेक्शन 3 में बोला है, उसको मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा कस्टडी लेने के लिए, कि वो अपने पास उसकी कस्टडी रखे। अगर कोई इस तरीके की चीज़ करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी की भी बात की गई है। अब क्या पेनल्टी है इसके अंदर, तो एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 4, तो उन दोनों में से कोई भी सेक्शन जो प्रोहिबिट कर रहे हैं इन दोनों चीज़ों को पब्लिश वगैरह करने से और बनाने से, तो उसको क्या कन्विक्शन मिलेगी सेक्शन 3 और 4 को, अगर कोई कॉन्ट्रावीन करेगा तो उसको सबसे पहले इम्प्रिजमेंट मिलेगी जो कि 2 साल तक की हो सकती है, ठीक है, और साथ साथ फाइन लगेगा जो कि 2,000 रुपये तक का हो सकता है, ये फर्स्ट टाइम पनिशमेंट करने पे। अगर वो इसके बाद फिर से रिपीट करता है, मान लो सेकेंड या सबसिक्वेंट दोबारा से करता है, तो वहाँ पे जो उसको कन्विक्शन मिलेगी वो 6 मंथ से कम नहीं होगी, लेकिन वो 5 ईयर्स तक भी एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है, तो 5 साल तक की सज़ा मिल सकती है, और साथ साथ फाइन भी लगेगा जो कि 10,000 रुपये से कम नहीं होगा, और वो 1,00,000 रुपए तक का भी हो सकता है। तो दूसरी बारी करने पे और जो सज़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पेनल्टी जो लगती है वो बढ़ जाती है। तो सेक्शन 6 में इसकी हमें पनिशमेंट दे रखी है, डेफिनेशन 3 और 4 में मिलती है जहाँ हमें प्रोहिबिट कर रखा है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी, और अगर आप करते हो तो आपको जो सज़ा है वो सेक्शन 6 में दे रखी है। सेक्शन 5 में हमें बीच में क्या दे रखा है कि वो पावर दे रखी है गजेटेड ऑफिसर की, वो सर्च सीजर ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब ऑफेंस बाय कंपनीज की बात हो रही है, अगर इस तरीके की कोई चीज़ कंपनी करती है तो वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय अ कंपनी, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वॉज कमिटेड वॉज इन चार्ज और वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी, तो जो व्यक्ति भी उस कंपनी के उस वक्त जिस ये ऑफेंस हुआ उस वक्त जो भी चार्ज में था या फिर रिस्पॉन्सिबल था कंपनी के लिए, उसके कंडक्ट के लिए, उसके बिजनेस के, तो वो मान लिया जाएगा कि उसने ये ऑफेंस किया है और उसके अगेंस्ट जो है प्रोसीडिंग चलेगी। और प्रोविजियो क्या बोलता है कि इस तरीके की कोई भी चीज़ जो है इस सब सेक्शन के अंदर, शेल रेंडर एनी सच पर्सन लाइबल टू एनी पनिशमेंट इफ ही प्रूव्स, अगर वो व्यक्ति क्या प्रूव कर देता है कि वो जो ऑफेंस कमिट किया गया वो उसकी नॉलेज के बिना प्रूव किया गया, तो उसको फिर पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर वो व्यक्ति प्रूव कर देता है, चाहे वो इंचार्ज है, रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी कंपनी में इस तरीके की चीज़ हो रही है, तो। और आगे क्या बोल रहा है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय अ कंपनी एंड इट्स प्रूव दैट द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड विद द कंसेंट और कन्वीनियंस ऑफ और इज एट्रीब्यूबल टू एनी नेग्लेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ एनी डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी, सच डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर शैल बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश अकॉर्डिंगली, तो उनको फिर इससे जो भी है उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चलेगी और उनको उसके हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। कंपनी का मतलब क्या है, जो कि इनकॉर्पोरेट हो रही है कंपनी, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, फर्म हो गई, कोई भी एसोसिएशन हो गई इंडिविजुअल्स की, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी।
यहाँ पे इसका केस लॉ दे रखा है, क्या बोलते हैं कि नेचुरल पर्संस आर मेड वाइकेरियसली लाइबल। कंपनी के लिए क्या होता है कि वाइकेरियसली लाइबल कर दिया जाता है, कि जो जैसे हम देखते हैं ना वो जो टॉर्ट के अंदर पढ़ते हैं कि वाइकेरियस लाइबिलिटी प्रिंसिपल और एजेंट की, तो यहाँ पे जो नेचुरल पर्सन होते हैं वाइकेरियसली लाइबल होते हैं किसी भी ऑफेंस के लिए जो कि कंपनी के द्वारा किया जाता है। एंड दीज पर्सन हैड सेम मीन्स विद द क्राइम ईदर बिकॉज देयर कन्वीनियंस विद ड्यू टू देयर क्रिमिनल नेग्लिजेंस विच हैज़ रिजल्टेड इन कमीशन, क्योंकि उन्हीं के कारण तो ऑफेंस हो रहा है, कंपनी तो अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं और फिर इनको इसके लिए सजा मिलती है। फिर सेक्शन 8 के ऊपर अगर हम आए तो ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, तो ये बताया गया कि ऑफेंस क्या है, कॉग्निजेबल और बेलेबल है, कि आपको बेल मिल जाएगी एज अ मैटर ऑफ राइट, और ये कॉग्निजेबल होंगे कैसे कि आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे सजा जो है 2 साल की, अदरवाइज हम CRPC में देखते हैं कि सीरियस ऑफेंसेस की जो होते हैं वो कॉग्निजेबल होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन एक तरीके से आ गई कि ये कॉग्निजेबल है। यहाँ पे 3 साल से कम की सजा है फर्स्ट कन्विक्शन पर, फिर भी इसको कॉग्निजेबल रखा गया क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है, यहाँ पे पब्लिक एट अ लार्ज इफेक्टिव होगी, और ये बेलेबल है। नॉन बेलेबल ऐसा नहीं होता कि जो नॉन बेलेबल होते हैं वहाँ पे आपको बेल नहीं मिलती, लेकिन वहाँ पे आपको जाके कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बेल मिलती है। यहाँ पे एज अ मैटर ऑफ राइट पुलिस या मजिस्ट्रेट आपको बेल दे देते हैं। और सेक्शन 9 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, कि अगर कोई इस तरीके का कोई भी एक्शन जैसे जहाँ पे इस तरीके की कोई भी चीज़ होती है और वो गुड फेथ के अंदर होती है तो वहाँ पे कोई भी सूट उस व्यक्ति पे नहीं होगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या उनका कोई ऑफिसर इस तरीके की चीज़ करता है, पब्लिकेशन वगैरह करता है, लेकिन वो गुड फेथ के अंदर करता है, जैसे हो गया ना कि बुक्स वगैरह पब्लिश कर रहा है जनरल इंटरेस्ट के अंदर, कॉमन इंटरेस्ट के अंदर कर रहा है सबके, तो फिर वहाँ पे उसके ऊपर इस तरीके का कोई सूट नहीं मिलेगा। और सेक्शन 10 ने क्या किया, डेलीगेशन कर दी, जो हम पढ़ते हैं ना कि जो लेजिस्लेचर होता है वो डेलीगेट कर देता है अपनी पावर्स को, तो पूरी पावर्स को तो डेलीगेट नहीं कर सकता, अभी एक्ट तो बनाया ही है ना लेजिस्लेचर ने, लेकिन उसने रूल्स बनाने की पावर्स को अपने डेलीगेट कर दिया। तो क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, तो वो रूल्स बना सकती है। और इसके अलावा ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर खुद ही रखी कि मैं नोटिफिकेशन निकालूंगी और मैं इसके रिगार्डिंग रूल्स बना दूंगी। इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर सच रूल्स में भी प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, अब इन रूल्स के अंदर किस रिगार्डिंग बातें बताई जाएंगी, यहाँ पे एक तरीके से इसको फिर डेलीगेट नहीं किया इन्होंने, अदरवाइज आप देखोगे एक्ट के अंदर डेलीगेट किया जाता है, यहाँ पे इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ही ये पावर रखी। अभी किस किस रिगार्डिंग रूल्स बनाएगी कि किस तरीके से सीजर और सीजर करनी है एडवर्टीजमेंट की या किसी और आर्टिकल्स की, ठीक है, जो हमने सारी ऊपर चीज़ें देखी उन्हीं के रिगार्डिंग ये बनाएंगी कि कैसे लिस्ट बनानी है जिस चीज़ को सीज किया गया, और फिर कैसे वो डिलीवर करना है जिसकी कस्टडी में है एडवर्टीजमेंट या अदर आर्टिकल्स को जहाँ से सीज किया गया है, या कोई भी मैटर है जो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा उन चीज़ों को कर सकते हैं, तो ये सारे रूल्स ये बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास ये पावर रखी है। तो ये हमारा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 हो गया, ये बहुत ही जनरल हमने एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग की है, बाकी बहुत डिटेल स्टडी के लिए आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने समझा अगर आप इतना भी करते हैं तो आप अपने प्री या जो भी मेन्स आपके हैं उसके अंदर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 की। सो इस वीडियो को लेते हैं, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।